नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अस एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपने घर की छत पर अनाज वगैरह धोने लगते हैं। बहुत लोगों के घर में देखा गया है कि जो अनाज होता है, आजकल छतों पर टंकी वगैरह सारी व्यवस्था होती है, हर किसी के घर में व्यवस्था होती है, तो उन्हें ये चीज़ें आसान पड़ती है कि चलो गेहूं धुलना है या अनाज धुलना है तो छत पे ही धुल के छत पे ही डाल देते हैं। साथ ही कुछ लोग बिस्तर भी या कपड़े भी जाके छत पे ही धोते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऐसा करके वो अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को आमंत्रित करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी आदत है कि आप भी अपने घर की छत पर अनाज धुल के डालते हैं, अनाज धुल के आप नीचे से यानी ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन घर की छत पे ही धुलकर यानी छत पे ही जाके धुलना और डालना शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है। साथ ही घर की छत पे जाकर बिस्तर धोना शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है। इससे ससुराल पक्ष से मतभेद होता है, ससुराल पक्ष से लड़ाई होती है, आपके ससुराल से कभी भी बनेगी नहीं। तो अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो इस आदत को आप तुरंत सुधार डालिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।